नमस्कार ओम नमः शिवाय आज हम आपको अपने इस श्रृंखला में श्रावण मास के महत्व के बारे में बताएंगे श्रावण के समय आने वाला हिंदू कैलेंडर का एक महीना है श्रावण जिसे हम सामान्यतः सावन मास के नाम से भी जानते हैं शिव जी को अत्यंत ही प्रिय है कहा जाता है कि सावन के महीने में शिव जी की, की, की गई पूजा अनेकों पुण्य को देने वाली होती है शिवजी जो कि परमात्मा हैं, जो कि महादेव हैं और जो कि समस्त सृष्टि के आधारभूत हैं उनकी पूजा अगर श्रद्धा से श्रावण मास में की जाए तो वह अत्यंत ही फलदायिनी होती है सावन मास के प्रत्येक सोमवार को शिवजी की पूजा का विशेष महत्व है इस दिन कुछ लोग शिव जी की पूजा के साथ साथ माता पार्वती श्री गणेश जी कार्तिकेय जी नंदी जी और नाग भगवान की भी पूजा करते हैं शिव जी की पूजा में जो द्रव्य और जो वस्तुएं सामान्यतः प्रयोग में लाई जाती हैं वे हैं जल दूध दही शहद चीनी गन्ने का रस जनेव चंदन रोली बेलपत्र भांग धतुरा धूप दीप और दक्षिणा कुछ लोग आरती करके भगवान के लिए रात्रि में जागरण भी करते हैं कुछ लोग श्रावण के चारों सोमवारों को शिवजी के लिए व्रत करते हैं जो कि अत्यंत ही पुण्यदायी माना गया है शिव जी उस परम पिता परमात्मा जिसने इस इस धरती को बनाया है उसके प्रतीक हैं अर्थात जो शिव का रूप हम देखते हैं चित्रों में देखते हैं मंदिरों में मूर्तियों में देखते हैं वह एक तरह से उस परम पिता परमेश्वर का एक मूर्त रूप है जिसमें कई तरह के चिन्ह हैं जैसे त्रिनेत्र जो कि हमारे हायर सेल्फ यानी हमारे आध्यात्मिक रूप को दर्शाता है उनका नीला रंग जो कि नीला रंग आध्यात्म का प्रतीक होता है इसी तरह से शिव जी के विभिन्न अंग विभिन्न तरह के प्रतीक का स्वरूप हैं। शिव जी की पूजा अत्यंत ही फलदाय मानी गई है कहा जाता है कि किसी भी देव की पूजा या किसी भी भगवान की पूजा या भगवान के जो विभिन्न रूप हैं क्योंकि परमपिता परमेश्वर तो एक ही है पर उस उनके जो विभिन्न रूप हैं चाहे वो त्रिमूर्तियों के रूप में हो, या अन्य देवी देवताओं के रूप में हो, सबकी की गई पूजा अंत में भगवान शिव के लिए ही की गई पूजा होती है हमारे सामने ऐसे कई तरह के योग और दोष आते हैं जो कि जिनका निवारण शिव जी की पूजा करने से हो जाता है हमारे जीवन में आ रही कई तरह की कठिनाइयों और दोषों को दूर करने के लिए शिव जी की पूजा का सजेशन दिया जाता है जैसे कि जिन लोगों के विवाह में विलंब हो रहा है उन लोगों के लिए शिव जी की पूजा विशेष फलदायिनी होती है अपनी पारिवारिक लाइफ को सुखी बनाने के लिए भी शिव जी की पूजा का महत्व है और शिव की शिव के साथ अगर पार्वती जी की पूजा की जाए तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है इसी तरह से अगर आप में शनि दोष या फिर काल सर्प दोष जैसे एस्ट्रोलॉजिकल दोष भी हैं अगर आपकी कुंडली में तो वह भी शिव जी की पूजा करने से बहुत हद तक शांत हो जाते हैं श्रावण मास का महत्व यह है कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन किया गया था उस समय का जो समय था वह श्रावण मास ही था और श्रावण मास की त्रयोदशी पे शिव जी ने हलाहल विष को अपने कंठ पर धारण करके इस धरती को बहुत सारे उपद्रवों से बचाया था उसी समय से देवता गण श्रावण में शिव जी की स्तुति करते हैं और उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर शिव जी ने यह वरदान दिया कि अगर उनकी पूजा श्रावण में की जाए तो वह अत्यंत ही फलदायिनी होगी श्रावण से ही चतुर्मास व्रत भी प्रारंभ होते हैं अर्थात यह व्रत देव उठनी एकादशी जो कि कार्तिक मास में आती है तब तक चलते हैं बहुत सारे व्रती बहुत तरीके से भगवान की पूजा करते हैं कुल मिला श्रावण मास एक बहुत ही पवित्र समय होता है इस समय किया गया दान पुण्य और साधना बहुत ही फलदाय होती है आशा करते हैं कि श्रावण मास के बारे में दी गई यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी आप सबको श्रावण मास की ढेरों ढेर बधाइयाँ और भगवान शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे ऐसी हम आशा करते हैं धन्यवाद